सरकारी ठेकेदारों द्वारा काम बंद आंदोलन किए जाने की वजह से शहर में सभी ओर अस्वच्छता दिखाई दे रही है। घंटा गाड़ी गत 2 दिनों से रुकी हुई है। ठेकेदारों का पिछले 6 माह से देयक स्थगित होने से यहां आंदोलनात्मक मामला घटित हो रहा है। ठेकेदार ने इसके पूर्व पालिका प्रशासन को थकित देयक की रकम के लिए तागाद लगाया था, लेकिन पालिका प्रशासन ने इसकी दखल ना लेने से घंटा गाड़ी सेवा बंद कर दी और घर घर जाकर कचरा संकलन करने का काम बंद करने का आंदोलन शुरू किया। गत 2 दिनों से घंटा गाड़ी नहीं आने से नागरिकों को भारी असुविधा हो रही है। शहर की बस्तियों में कचरे के ढेर दिखाई दे रहे हैं। कचरा संकलन करने वाले ठेकेदार विशेष हाइड्रोटेक से कंपनी है। कंपनी ने घंटा गाड़ी सेवा बंद करके आंदोलन करने से पालिका प्रशासन ने दौड़ धूप करके उक्त कंपनी को थकित रकम का धनादेश आज देने की बात को कह रही है और कल से ही हिंगन घाट सेवा शुरू होने की जानकारी मिली है। वार्ड वार्ड में लोगों के घरों में जाकर कचरा संकलन करने का काम घंटा गाड़ी करती है। स्वच्छता अभियान अंतर्गत कचरा संकलन किया जाता है और इस पर देख रेख करने की ई कचरा संकलन स्कैन करने वाले स्टिकर घर घर लगाए गए हैं, लेकिन ये स्टिकर भी कार्यरत नहीं होने की बात की जा रही है। हिंगन घाट से NBCN न्यूज के लिए रवि येनोरकर की रिपोर्ट।